नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे भाग से परिचय, मतलब बराबर बंटवारा। जो भी वस्तु होती है उसको बराबर संख्या में बांट देना, तो ये हमारा भाग से परिचय। हम देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास कुछ कलर्स हैं, स्केच कलर है, ये हमारे पास 6 स्केच कलर है। यहाँ पे हमने 6 स्केच कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 कलर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये 6 कलर को हमें 2 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 2 बच्चों में बांटना है। हमने पहले इसको दे दिया 1, ये 1 निकल गया। अब दूसरा इसमें से निकाल देते हैं इस बच्चे के लिए, तो ये 2 कलर निकल गए। 1 पहले बच्चे के लिए हो गया, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो एक बच्चे को 1 दे दिया पहले नंबर को, दूसरे नंबर को भी 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ से 1 ही हमने इसको दे दिया, 1 ही दे दिया, इधर से 1 ही इसको दे दिया। फिर हमारे पास और कलर है अभी, तो इसमें से एक एक कलर और दे देते हैं। 1 नंबर के बच्चे को 1 कलर हमने दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल देते हैं दूसरा कलर इसको। पहले ये दे दिया था, अब ये दूसरा कलर इसको दे दिया। अब एक कलर दूसरा इसको दे देते हैं दूसरे नंबर के बच्चे को। ये दूसरे नंबर का बच्चे को यहाँ से 1 कलर ये दे दिया, 1 ये दे दिया, 1 ये दे दिया। तो हमारे पास अभी और कलर है 2, तो एक बार और दे देते हैं इन बच्चों को। पहले नंबर को 1 दे देते हैं हम ये, तो यहाँ ये पहले नंबर को 1 यहाँ दे दिया इस 1 नंबर को। अब एक और है हमारे पास, ये दूसरे नंबर के बच्चे को दे देते हैं, तो ये दूसरे नंबर के बच्चे को हमने दे दिया। तो जब हमारे पास ये 6 कलर थे, तो इन दो बच्चों को कितने कितने कलर मिले? 3 पहले नंबर वाले को, 3 मिले दूसरे नंबर वाले को। इस तरह से हमारा 3-3 का बंटवारा 2 बच्चों में हमने कर दिया है। तो दोनों को बराबर बराबर मिले, कितने कितने मिले 2 बच्चों को? 3 और 3 दोनों बच्चों को। तो ये हमारा हो गया। यदि हम इन्हीं कलर को 3 बच्चों में बांटते हैं, ये ही कलर 6 है और 3 बच्चों में बांटते हैं, पहले हमने बांटे 2 बच्चों में और अब हम बांटते हैं इन्हें 3 बच्चों में, तो हमने ये भारतीय अंक की संख्याएं सीखी थी हमने कक्षा 2 में, तो हमने भारतीय अंकों से इसको कर रहे हैं। अब 3 बच्चे हैं हमारे पास, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पहले बच्चे को हम देते हैं 2 कलर, ठीक है, 2 निकाल दिए हमने। अब दूसरे नंबर के बच्चे को जब 6 में से हमारे पास कलर थे ये सारे 6 में से हमने 2 निकाल दिया है, हमारे पास कितना रह गया? सिर्फ 4। ये भारतीय अंक है जो हमने कक्षा 2 में सीखे हैं, भारतीय अंक। और अब ये 4 जो बच गए हैं हमारे पास ये कलर, अब इसको दूसरे बच्चों को तो और देते हैं, ये 2 कलर इसको और दिए हमने। 4 में से 2 या हमारे पास कितना रह गया? 4 थे, 4 में से हम दूसरे बच्चे को ये 2 दे देते हैं, अब हमारे पास कितना रह जाएगा? सिर्फ 2, तो ये हमारे पास 2 रह गया। अब तीसरे बच्चे को ये 2 कलर बचे थे अब हम ये 2 कलर तीसरे बच्चे को भी दे देते हैं। तो जब हम ये 2 कलर इस तीसरे बच्चे को दे देते हैं, तो हमारे पास कितने शेष रहते हैं? 2 में से 2 गया 0, 0 कुछ भी शेष नहीं रहा। हमारे पास कलर थे 6, बच्चे थे 3, 3 बच्चों को 2-2 कलर मिल गए और सबको बराबर बराबर बंटवारा हो गया। हमारे पास चॉकलेट से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 चॉकलेट को हमें 4 बच्चों में बांटना है, कितने बच्चों में? 4 बच्चों में बांटना है। चॉकलेट है हमारे पास 8, तो हम पहले बच्चे को देते हैं, यहां 4
तीन और ये चार, चार बच्चे हैं हमारे पास। इन चारों बच्चों को हम पहले एक एक चॉकलेट देते हैं, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी और एक इसको दे दी, यानी चारों बच्चों को हमने एक एक चॉकलेट बांटी, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, तीन चॉकलेट और चार चॉकलेट हम निकाल देते हैं इसमें से। एक निकाल दी पहले नंबर के बच्चे की, एक दूसरे की, एक तीसरे की और एक चौथे की, चार चॉकलेट हमने निकाल दी है। तो यहाँ पे आठ में से ये चार निकालेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कितनी शेष रह जाएगी, दो, एक दो तीन चार चॉकलेट हमने निकाल दी, तो हमारे पास शेष कितनी रह गई, यहाँ पे चार चॉकलेट रह गई, एक दो तीन और चार। जब हमारे पास चार चॉकलेट रह गई तो एक एक और देते हैं हमको, एक इसको और दो दे दी, दूसरे नंबर को एक और दे दी, तीसरे नंबर को दे दी और चौथे नंबर को दे दी, वापस एक दो तीन और चार चॉकलेट आने वाली, एक दो तीन और चार।